हेलो स्टूडेंट, सेट के पिछले लेक्चर में हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ सेट सीख चुके हैं और आज हम लोग उन्हीं सब ऑपरेशंस को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, हम लोग आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी, अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो इस बात को इम्प्लाइज करता है कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, मतलब ए को बी के इक्वल प्रूव करना है, तो हम यह दिखाएंगे कि ए बी का सबसेट है और साथ में यह दिखाएंगे कि बी भी ए का सबसेट है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, ए माइनस बी एक सेट है ना, ए माइनस बी एक सेट है। राइट साइड में एक सेट है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम ये दिखाएंगे कि ए माइनस बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी डैश का। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे, यक्ष हमने एलिमेंट ले लिया ए माइनस बी का। ठीक, तो बाय डेफिनेशन देखिए, अगर यक्ष ए माइनस बी में है तो इसका मतलब क्या, यक्ष बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी। यही ना, यही डेफिनेशन है ए माइनस बी की। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं, यक्स एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एंड देखिए यक्स अगर बी में नहीं है तो इसका मतलब है यक्स बिलोंग्स टू बी डैश। देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट जब हमने बताया था तो ये बताया था कि अगर यक्स ए का एलिमेंट है तो ए डैश में नहीं होगा, और वैसे ही अगर ए में नहीं है तो ए डैश में होगा। अब यहाँ पर देखिए, यह देख रहे हैं कि यक्स जो है ए में है एंड यक्स बी डैश में है, मतलब क्या, यक्स एक सेट में है एंड दूसरे सेट में है, तो यह ए इंटरसेक्शन बी डैश में हो जाएगा। ठीक है, यह इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर देखिए, यक्स आप ए माइनस बी में लिए और वह ए इंटरसेक्शन बी डैश में आ गया, इसका मतलब है, यह इम्प्लाइज कर रहा है कि ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए, ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि आप ए माइनस बी में जितने भी एलिमेंट ले रहे हैं वह ए इंटरसेक्शन बी डैश में आ जा रहा है। अब देखिए, हम लोग रिवर्स करेंगे, अब की बार हम जो यक्स है वह लेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश में। ठीक है, अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या, यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अब यहाँ पर देखिए, यक्स ए में है, ठीक है, एंड यक्स अगर बी डैश में है तो डेफिनेटली यक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यक्स ए में है एंड यक्स बी में नहीं है, इसका मतलब यक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। तो आप क्या देख रहे हैं कि यक्स अगर आप ए इंटरसेक्शन बी डैश में ले रहे हैं तो यक्स ए माइनस बी में आ रहा है, तो इसका मतलब यह इम्प्लाइज कर रहा है, क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, आप क्या देख पाए कि a माइनस बी सबसेट है a इंटरसेक्शन b डैश का और a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट है a माइनस बी का। इसका मतलब फ्रॉम वन एंड टू आप कह सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, तो यह हम लोग देखिए प्रूव कर पाए कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए, आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते थे, थोड़ा अपना काम आसान हो जाता, ध्यान देंगे, शुरुआत फिर से करते हैं। ऐसे भी लिख सकते थे, यक्स एलिमेंट है यक्स ए माइनस बी का, ठीक है, अब देखिए, देखते रहिए, यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी, यही ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स belongs to b dash। तो देखिए इसका मतलब क्या, x belongs to a and x belongs to b dash। देखिए अब इसको क्या लिख पाएंगे, x belongs to a intersection b dash। देखिए यही प्रोसेस तो यहाँ फॉलो किया था। अब इस पर देखिए करना क्या है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे से आप ऊपर देखिए, x element of a intersection b dash, this implies that x element of a and x element of b dash। तो आप यह एरो बाई कंडीशन लगा दीजिए, है ना, मतलब यह इसको इम्प्लाइज कर रहा है। अब देखिए, इस लाइन से यह लाइन इम्प्लाइज हो रही है, कैसे, देखिए, यक्स एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे एक्स एलिमेंट ऑफ ए
एंड यक्स एलिमेंट ऑफ बी डैश, इसका कंक्लूजन क्या है, यक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी, मतलब यह जो लाइन है इसको इम्प्लाइज कर रही है। अब देखिए यक्स ए में है एंड यक्स बी में नहीं है, इसका मतलब यह इम्प्लाइज कर रहा है कि यक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी यक्स आप ए माइनस बी में ले रहे हैं वह ए इंटरसेक्शन बी डैश में आ जा रहा है, और वैसे ही जितने यक्स आप ए इंटरसेक्शन बी डैश में ले रहे हैं वह ए माइनस बी में आ जा रहा है। तो यह इस बात को इम्प्लाइज कर रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम को आप डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, और अपनी सुविधा के हिसाब से आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग एक है, और वैसे टाइम के हिसाब से इस तरीके से आप करते हैं तो ये बेहतर है। तो इस तरीके से देखिए जो ये फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, यह हम लोग प्रूव कर पाए, और यह भी ध्यान रखिए इस रिजल्ट को हम लोग को लर्न रखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, ध्यान दीजिए यही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखिए यहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी आप यह पढ़े कि यक्स अगर एलिमेंट है ए डैश का तो इसका मतलब यक्स एलिमेंट ए का नहीं होगा, है ना। ये देखिए एक सेट ही तो है, तो अगर यह इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो इम्प्लाइज कर रहा है कि यक्स डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब क्या, यक्स अगर ए यूनियन बी डैश में है तो इसका मतलब यक्स ए यूनियन बी में नहीं है। ठीक, अब देखिए कोई यक्स अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका बिल्कुल मतलब है कि वह ए में भी नहीं रहा होगा एंड बी में भी नहीं रहा होगा, तभी तो यह ए यूनियन बी में नहीं क्वालिफाई कर पाया, है ना। तो इसका मतलब है यक्स डजंट बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। आप इन सब बातों के लिए जो हमने ऑपरेशन ऑफ सेट बताए हैं और उसके साथ हमने बहुत से रिजल्ट लिखे हैं वहाँ पर आप देखिए तो डिटेल में यह सब बातें लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए हम डैश को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए यक्स अगर ए में नहीं है इसका मतलब यक्स ए डैश में है, वैसे ही एंड यक्स अगर बी में नहीं है इसका मतलब यक्स बी डैश में है ना। अब यहाँ पे देखिए यक्स ए डैश में है एंड यक्स बी डैश में है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन यक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, जो भी यक्स आप ए यूनियन बी डैश में ले रहे हैं वह सभी यक्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में आ जा रहे हैं। अब देखिए अगर आप ये नीचे से देखेंगे तो यह देखिए इसको इम्प्लाइज कर रहा है ना, उसी वे में देखिए यह इसको इम्प्लाइज कर रहा है, ध्यान से देखेंगे यह इसको इम्प्लाइज कर रहा है और यह टर्म इसको इम्प्लाइज कर रहा है, तो आप यहाँ पे आप बाई कंडीशनल का रूल लगा सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट आप इसमें ले रहे हैं ए यूनियन बी डैश में वह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में आ जा रहा है, और जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में ले रहे हैं वह ए यूनियन बी के होल डैश में आ जा रहा है, तो इम्प्लाइज कर रहा है कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा पार्ट हम लोग प्रूव कर पाए, आप चाहते तो इसको दो पार्ट में डिस्क्राइब कर सकते थे लेकिन चूंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा करके देख चुके हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस क्वेश्चन को वैसे भी लगा सकते हैं। तीसरा पार्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक सेट है तो फिर हमने वही प्रोसेस फॉलो किया, यक्स एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। तो अगर यक्स ए इंटरसेक्शन बी डैश में है इसका मतलब है यक्स नहीं है ए इंटरसेक्शन बी में, क्यों भाई, अगर किसी कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा ना। अब देखिए कोई अगर यक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है इसका मतलब है कि वह ए में नहीं है और बी में नहीं, मतलब कम से कम एक में नहीं है। ठीक है, यह भी आप नोट करके या जो टर्म्स हैं वह लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं जो ऑपरेशन साफ से टॉपिक बताया था वहाँ पर। तो यक्स डजंट बिलोंग्स टू ए और यक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे देखिए यक्स अगर ए में नहीं है इसका मतलब यक्स होगा ए डैश में, यही ना, और यक्स अगर बी में नहीं है इसका मतलब बी डैश में होगा। अब यहाँ पे देखिए यूनियन की डेफिनेशन क्या थी, यक्स अगर ए डैश में है और बी डैश में है इसका मतलब है यक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं, अब जितने भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी डैश में ले रहे हैं वह सभी एलिमेंट ए डैश यूनियन बी डैश में आ जा रहे हैं। आप नीचे से ऊपर देखिए तो भी यह देखिए इससे फॉलो होगा, यह
इससे आप ये देखेंगे तो ये भी फॉलो होगा, इससे ये देखेंगे तो ये भी फॉलो होगा। इसका मतलब जितने एलिमेंट इंटरसेक्शन बी डैश के हैं वह ए डैश यूनियन बी डैश में आ जा रहे हैं, और वैसे ही जितने एलिमेंट ए डैश यूनियन बी डैश में हैं वह इंटरसेक्शन बी डैश में आ जा रहे हैं। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो ये देखिए, यह जो सेकेंड एंड थर्ड रिजल्ट है जो हम लोगों ने प्रूव किया, इसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, और ज़रूरत पड़ने पर इस डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो ये जो इस क्वेश्चन के तीनों रिजल्ट हैं उसको आप कह सकते हैं कि हम लोगों को लर्न रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ सकती है, ठीक है। तो यह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट को प्रूव किया, देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग ये परफॉर्म करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोग सेट्स के जो ऑपरेशंस पढ़े हैं उन ऑपरेशंस में जो प्रॉपर्टीज़ थी उन सब प्रॉपर्टी का सूटेबल तरीके से यूज करके इन सब क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक टर्म हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या हम ए को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल? देखिए, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू ए, है ना। अब क्यों लिखा हुआ है एक अलग मैटर है, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी था, तो हमने देखा कि अगर हम ए को ए इंटरसेक्शन यू लिख यूनिवर्सल लिख दें, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप ए इंटरसेक्शन को ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे यूनिवर्सल यूनियन बी, और यह देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन यू बीच का यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी, तो यह कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। अब उसके बाद देखिए, आगे ध्यान दीजिए, आप इसको वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि हमने ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया, यू बचा, यूनिवर्सल बचा, यूनियन बी बच गया। हालांकि कॉमन वर्ड हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, बेसिकली यह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही कहेंगे। अब आगे देखिए, ए इंटरसेक्शन, देखिए यूनिवर्सल और यूनियन लेंगे बी का, तो आप ये देख रहे हैं कि यूनिवर्सल में अगर बी मिला भी देंगे तो यूनिवर्सल ही रहेगा ना। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो क्या हो जाएगा फिर? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ए। तो देखिए, हम लोग क्या प्रूव कर पाए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। देखिए, सेट्स के ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन सबसे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं, और यह करने के लिए सेट के जो ऑपरेशंस हैं उनकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत क्लियरिटी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से ही लेके चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखिए, हम यह इंटरेस्टेड हैं कि ए को हम, जैसे यह ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे ए यूनियन समथिंग लिख दें। तो देखिए, आप ए को ए यूनियन फाई लिख सकते हैं, क्यों? आएगा कितना? ए ही ना। अब इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी, फिर देखिए, फिर हम लोग ए यूनियन को ऐसे लिख लें, और यह फाई इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, वही फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक बात है। अब उसके बाद देखिए, ए यूनियन ए फाई इंटरसेक्शन बी, आप ये देख रहे हैं फाई इंटरसेक्शन बी क्या होता है? फाई ही होगा ना, ठीक है। और ए के साथ इंटरसेक्शन यूनियन जो है फाई का लेंगे, तो क्या आ जाएगा? ए। तो देखिए, हम लोग कितने आराम से यह जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जो है वह जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग ऑपरेशन की देखे हैं उसको यूज करके बहुत ईजिली प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्ट प्रूव करने के पहले आप ये ऑब्जर्व करिए कि राइट हैंड साइड जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बजाय लेफ्ट हैंड साइड के। तो अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग क्यों ना राइट हैंड साइड से ही परफॉर्म करें? तो ठीक है, राइट हैंड साइड से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखिए, राइट हैंड साइड क्या लिखा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि हम लोगों के पास माइनस की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो अभी पिछले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था, वहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म लिखा था, उसको ध्यान से देखिए। वहाँ पे हमने लिखा था कि a माइनस बी को आप लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक बात है। यह कौन सा? पिछले क्वेश्चन का जो फर्स्ट रिजल्ट था उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए। अब देखिए,
यहाँ से हम लोग ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन बी डैश कौन सा, फिर वही बार डिस्ट्रीब्यूटिला है ना। आप देख रहे हैं जैसे ये कॉमन ले लिया है इंटरसेक्शन तो बी बच गया यूनियन बी डैश, हालांकि कॉमन वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन अब बी यूनियन बी डैश, तो आप ये देखिए पढ़े हैं किसी सेट में उसके कंप्लीमेंट के साथ उसका यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल आएगा है ना भाई, तो यहाँ पे यूनिवर्सल। अब देखिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो पूरा ए कॉमन आ जाएगा ना, तो देखिए ये फाइनली कितना आ गया ए। तो ये देखिए हम लोग जो है थर्ड पार्ट इसको भी प्रूव कर पाए प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़े थे उसका यूज करके। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे आते हैं, तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं, कंप्लीट है लेफ्ट हैंड साइड ना, तो ए यूनियन बी माइनस ए। फिर देखिए वही बात यहाँ पर कि माइनस में हम लोग के पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, तो माइनस में अगर हम लोग के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है तो माइनस को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे भाई, इसको आप लिखेंगे देखिए b माइनस ए को क्या, b इंटरसेक्शन a डैश, ठीक वही जो प्रॉपर्टी हम लोग पिछले क्वेश्चन का पहला पार्ट था वहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर a यूनियन b चाहिए ना, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिला लगाते हैं, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a डैश, ये कौन सा ला हो गया डिस्ट्रीब्यूटिला, ठीक। अब देखिए इसको आप लिख देंगे a यूनियन b और यहाँ पर ध्यान दीजिए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, तो देखिए ए यूनियन ए डैश किसी सेट क्या उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब आप पढ़े हैं देखिए किसी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से लेंगे तो वही सेट आ जाएगा। तो देखिए फाइनली हम लोग यह प्रूव कर पाए क्या ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी डैश। तो ये जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे इसमें हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑफ सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी और जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स थे उन सबको यूज करके यह जो क्वेश्चन गिवन था उसको बहुत इजीली प्रूव कर पाए। देखिए ये क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसको प्रूव करना है या लगाना है तो बिल्कुल डेफिनेशन में प्रॉपर्टी में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो देखिए आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रूव करने वाले क्वेश्चंस किए, आप इसी को फॉलो करते हुए बुक के बहुत से क्वेश्चंस लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ऑपरेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी क्लियरिटी हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम सीखेंगे और साथ में वर्ड प्रॉब्लम जो है मतलब एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको लगाएंगे।